मुख्यमंत्री जी इस गांव तक नहीं पहुंची, पक्की सड़क, कच्चे रास्तों में चलकर कैसे गांव तक पहुंचेगा विकास। रेहा गांव में स्वास्थ्य शिक्षा का हाल बेहाल। गिरिडीह जिले के गवा प्रखंड के अमतरो पंचायत स्थित रेहा गांव आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। जिस रास्ते से होकर गांव के विकास के लिए योजनाएं पहुंचती हैं वो अब तक कच्चा है। यही वजह है कि गांव में मूलभूत सुविधाओं का भी अभाव है। गांव तक योजना ही नहीं पहुंच पा रही है। अब तक इस गांव तक पहुंचने का रास्ता ही नहीं बना। स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के लिए भी गांव वालों को दूसरे गांव या पास के शहर का रुख करना पड़ता है। रेहा गांव में 40 घर हैं, लगभग 200 परिवार का पूरा गांव कच्ची सड़क पर जलकर आज भी पक्की सड़क की बाट जोह रहा है। जनप्रतिनिधियों का भी कोई ध्यान नहीं है। 15वीं वित्त योजना से लगभग 100 फीट पेवर ब्लॉक मुखिया के निर्देश पर पूर्व में बिछाया गया था। यह गांव बरमसिया मुख्य पथ से 2 किलोमीटर अंदर फैला हुआ है, जहां 40 से अधिक परिवार के लोग रहते हैं। यह आदिवासी बहुल गांव है। बताया जाता है कि गांव में पढ़ाई करने के लिए भी कोई मुकम्मल व्यवस्था नहीं है। एक सरकारी विद्यालय है जहां बच्चे 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई पूरी करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए 4 से 5 किलोमीटर दूरी तय कर बरमसिया जाते हैं। वहीं उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रखंड मुख्यालय की ओर जाना पड़ता है।